मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त रमन। आज हम आपके साथ पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पढ़ेंगे आज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? किसी यदि कोई आवेश है हमारे पास, उसके चारों ओर प्रभावित हुए परिवेश को ही इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये प्रभावित हुए परिवेश को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज है हमारे पास, तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन किस दिशा में होगी? बाहर की तरफ होगी। यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की दिशा किस तरफ होगी? बाहर की तरफ। और माइनस क्यू चार्ज के कारण अंदर की तरफ होगी। यानी प्लस क्यू चार्ज के कारण तो डायरेक्शन किस दिशा में होगी? बाहर की तरफ। और माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ होगी। ये इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसका फॉर्मूला क्या होगा? इंटेंसिटी इन ई वेक्टर इक्वल टू एफ वेक्टर डिवाइडेड बाई क्यू नोट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला यह होगा। यानी एकांक धनावेश पर लगने वाले बल को ही क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यह होगा इसका फॉर्मूला। और इसमें हम इसकी यूनिट क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मात्रक क्या होगा? मात्रक यानी यूनिट क्या होगी इसकी यूनिट? न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम या वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर। और इसकी विमा क्या होगी? विमा विमा होगी इसकी एम एल टी माइनस थ्री और ए माइनस वन। ये इसकी होगी विमा। विमा क्या होगी इसकी? एम एल टी माइनस थ्री ए माइनस वन। ये हो गई इसकी। ये नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक हमारी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़े। यानी सपोज दैट क्यों कोई चार्ज है, उसके उससे कोई आर दूरी पर एक क्यू नोट चार्ज हमने सपोज कर लिया। यानी आर दूरी पर क्यू नॉट चार्ज, तो इस पर एक बल कार्य करता है, बल अनुभव होता है। इस चार्ज के कारण इस चार्ज पर एक बल अनुभव होता है। वह बल क्या होता है? एफ इक्वल टू, यानी कूलाम के नियम से एफ इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगी? आर्क है होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास? ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, एफ अपॉन क्यू नोट। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी बिंदु आवेश के कारण? ई इक्वल टू के क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप डिवाइडेड बाई क्यू नोट। क्यू नोट से क्यू नोट कैंसिल आउट हो गया, तो क्या होगा? ई वेक्टर कितना हो गया हमारा? ई इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डॉट आर कैप। ये हो गया, ये होगी हमारी बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक कुछ नोट लिख लो। उससे पहले नोट क्या है? यदि हमारे पास कोई समान चार्ज है, समान प्रकृति के चार्ज हैं हमारे पास, समान प्रकृति के चार्ज हैं, और इस चार्ज के कारण ई वन क्षेत्र है, इस चार्ज के और इस चार्ज के कारण ई टू, कितना हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई टू हो गई। तो टोटल यदि समान आवेश होने पर है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टोटल कितनी होगी? ई वन माइनस ई टू, जो हमारे न्यूमेरिकल में काम आएंगे। ये होगा फर्स्ट। और सेकंड क्या होगा? यदि हमारे पास ऑपोजिट चार्ज हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू, तब विपरीत आवेश होने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी? ई इक्वल टू ई वन माइनस ई टू हो गया। थर्ड है, यदि समान चार्ज हैं, सपोज दैट क्यू क्यू, और वे उसके एक्स ही निरक्ष पर है ना, निरक्ष पर कुछ दूरी पर बिंदु कोई पी है, और इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें ज्ञात करनी है, तब इस क्यू के कारण तो ई वन हो गया और इस क्यू के कारण ई टू क्षेत्र हो गया। ये ई वन ये ई टू हो गया। तो और इसके साथ क्या कोण बना रहा है? थीटा। ये थीटा कोण बना रहा है।
तो थीटा कौन बनाएगा, तब इसके कारण यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, ई इक्वल टू ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर प्लस टू ई वन ई टू कोस थीटा और रूट ऑफ। ये तीनों चीज़ें हमारी न्यूमेरिकल में काम आएंगी। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। सी यू टुमारो।